हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फूड वैरायटी के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि क्या क्या वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज फूड की होती हैं और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ओके, चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है बेसिकली, वो है फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2। अगर हम नोटिस करें पिछली टेबल में, तो हमें काफी इजी लग रहा है अगर हमें लिस्ट आउट करने को बोला जाए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रहे हैं पिछली टेबल में। देखिए कौन सी है पिछली टेबल, ये रही टेबल 1.2। ओके, देखिए बहुत आसान हमें लगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रोटी या चपाती जिसे आप कहते हो, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हमें इजीली पता चल गया कि उसमें आटा होता है और वाटर होता है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट दाल, अगर हम दाल की बात करें तो दाल में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पल्सेस, यानी कि दाल, साथ में पानी, नमक, तेल, घी, स्पाइसेस, राइट। और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स आप क्या डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था, प्याज, टमाटर, जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। तो काफी इजी था इंग्रेडिएंट्स का पता लगाना, राइट। चलिए फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आते कहाँ से हैं। देखिए हमने ये तो पता लगा लिया कि जो भी हम खाना, जिसकी फूड की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। लेकिन जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टास्क है वो ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं, राइट। चलिए, प्लांट्स ऑफकोर्स है ना। देखिए अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, अगर मैं वेज इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, राइट, तो वो हमें ज्यादातर प्लांट्स से मिलेगा। देखिए कैसे, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। अगर बात करूं मैं, जो चावल है ना, राइस जिन्हें कहते हो, या गेहूं, व्हीट जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके सोर्स क्या है, आपको कहाँ से चावल मिलता है, कहाँ से गेहूं मिलता है, प्लांट से, है ना। अच्छा, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये राइस है, ये व्हीट है, हमें कहाँ से मिल रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इन प्लांट्स होते हैं, है ना, व्हीट प्लांट्स होते हैं। आपने खेत देखे हैं, खेतों में आप क्या करते हो, गेहूं के आपके क्या फसल लगती है ना, चावल की फसल लगती है, जिससे आपको ये सब कुछ मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कहाँ से ये मिल रहा है, इनका सोर्स क्या है, प्लांट्स है, राइट। अच्छा, अब एक और सोर्स के बारे में हम जानते हैं। चलिए, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल। और अगर मैं बात करूं, आप मिल्क पीते हो, दूध, एग, अंडे जो होते हैं, मीट, चिकन, है ना, इसका सोर्स क्या है, क्या हमें ये प्लांट से मिलते हैं, नहीं, ये हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो देखिए दूध की अगर मैं बात करूं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, या फिर हम चिकन की बात करें, फिश की बात करें, तो ये सब का सब हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो इंग्रेडिएंट्स मेरे दो पार्ट्स में बट गए, है ना। अगर मैं वेज इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, लाइक चावल और गेहूं, है ना, व्हीट, राइस, तो ये कहां से मुझे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं मुझे प्लांट्स से, है ना, खेती से बेसिकली, है ना, मैं कह सकता हूँ गेहूं की फसल होती है, राइट। और अगर मैं बात करूं दूसरे इंग्रेडिएंट, लाइक मिल्क, एग, मीट, यानी कि दूध जो हो गया, चिकन जो है, अंडा जो है, ये वाले इंग्रेडिएंट्स मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, ये मुझे मिल रहे हैं एनिमल से। तो मैंने कितनी कैटेगरी में बांटा, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, दो में, प्लांट और एनिमल, ठीक है। चलिए अब इस पे एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पता लगाना है, जो भी हमने आइटम लिया है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये हमने पहली एक्टिविटी में भी कर लिया था, राइट। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिले कहाँ से हैं, सोर्स क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले, सबसे पहले इडली की बात करते हैं। इडली कैसे बनता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो देखिए जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, ज्यादातर आपको किससे मिल जाएंगे, प्लांट से मिल जाएंगे, है ना। चलिए वाटर तो आपका नेचुरल वाटर होता है, राइट। लेकिन अगर मैं राइस की बात करूं या दाल की बात करूं, तो ये किससे मिलेगा, आपको प्लांट से मिलेगा, ठीक है।
और सॉल्ट आपका ये भी कहाँ से निकलता है, समुद्र से निकलता है, तो ये भी इसका भी सोर्स आपका अलग है। तो अगर मैं केवल यहाँ पे दो की बात करूँ, ठीक है, सॉल्ट और वाटर तो आप नेचुरल सोर्सेस मान के चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूँ राइस और उड़द दाल, तो इनका सोर्स क्या है, प्लांट है, राइट। अच्छा, ऐसे ही मैं चिकन करी की अगर बात करूँ, तो चिकन करी के सोर्सेस क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल घी चाहिए और वाटर चाहिए। इसमें देखिए अगर मैं चिकन बात करूँ, चिकन का सोर्स क्या है, ऑफ कोर्स एनिमल है। और अगर मैं ऑयल या घी की बात करूँ तो इसका क्या है, देखिए ऑयल और घी जो होता है वो प्लांट से भी मिलता है, ठीक है, और आपका एनिमल से भी मिलता है, राइट। अगर मैं कुछ ऑयल की बात करूँ, है ना, और अगर मैं पहले घी की बात करूं, तो घी देखिए आपको कहां से मिलेगा, ऑफ कोर्स दूध से मिलेगा, और दूध कहां से मिलेगा आपको, एनिमल से मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं ऑयल की बात करूं, तो ऑयल कहां से मिलता है, प्लांट से आपको मिलता है। तो इसीलिए यहां पे बताया गया ऑयल और घी में दोनों को आपका इंक्लूड किया गया है, प्लांट्स को भी एनिमल्स को, राइट। अब खीर की बात करते हैं, खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क है, राइस है, शुगर है। तो मिल्क मुझे अब कहां से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, लेकिन मुझे राइस कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। तो हमने ये पता लगाया कि जो फूड आइटम में जो इंग्रेडिएंट्स आपके हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कुछ और फूड आइटम्स यहाँ पे नोट करने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स के पता लगाना है, और इंग्रेडिएंट्स के बाद ये देखना है कि वो सोर्सेस क्या है इंग्रेडिएंट्स के, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूं, देखिए बच्चों में काफी फेमस होता है मोमोज, राइट। तो अगर मैं आपको कहूं कि मोमोज आप यहाँ पे फूड आइटम में लिखिए, तो आपको पता लगाना है कि मोमोज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मैदा, राइट। उसके बाद मैदे के बाद और क्या क्या मोमोज में होता है, आपका वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक कौन कौन सी होती हैं, पत्ता गोभी डाल लो, गाजर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, अदरक अदरक पड़ता है, लहसुन पड़ता है, और बाकी सब्जियां पड़ती हैं, है ना, न्यूट्रिला पड़ता है। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स पता लगा सकते हो, फिर आपको उसके सोर्सेस पता लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आपको एक्टिविटीज करनी है। ओके, चलिए अब हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी से, देखिए व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, क्या सीखा हमने, हमें ये पता चला कि किसी भी फूड आइटम में इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस का कैसे पता लगाया जाता है, और उसमें क्या क्या सोर्सेस होते हैं, और कौन से सोर्सेस हमें पता चले, एक पता चला या तो प्लांट होंगे, ठीक है, और या फिर एनिमल होंगे, राइट। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक। और एनिमल्स जो हैं आपके, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, देखिए प्लांट्स की, तो प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, ये सब कुछ मुझे प्लांट्स प्लांट से मिल रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनिमल, तो एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ मुझे कौन देगा, एनिमल्स देंगे। अच्छा, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। देखिए जनरली किसका दूध यूज किया जाता है, या तो काउ का या बफेलो का, और कुछ हद तक काफी कम जो है वो गोट का भी दूध आपका यूज करते हैं, बकरी का, ठीक है। कॉमन एनिमल्स विच गिव्स मिल्क, यही कॉमन एनिमल्स है जिनका आप दूध पीते हैं। इसमें भी दो मेन है जो है काउ और बफेलो, गाय और भैंस, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने भी देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं, चाहे आप दही की बात कर लो, चाहे आप पनीर की बात कीजिए, चाहे आप क्रीम की बात कीजिए, है ना, पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ओके, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। अच्छा, क्या आप कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हो जो और मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपको पता लगाना है। देखिए जनरली तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन अगर बात करें कैमल की, है ना, तो कैमल भी क्या करता है, मिल्क प्रोवाइड कराता है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन जनरली जिनका हम यूज करते हैं वो कौन सा है, काउस, गोट्स एंड बफेलोस। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड।